नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनदीप सिंह, आपके अपने YouTube चैनल आस्क ग्लास गुरु में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कंस्ट्रक्शन लाइन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्लास के बारे में जानकारी ले रहे हैं और आज हम ग्लास लाइन के उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले टॉपिक में जाना था कि ग्लास कितने प्रकार का होता है और इंडियन मार्केट के अंदर ग्लास कैसे सेल होता है। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, आज हम जानेंगे कि जो फ्लोट ग्लास होता है, क्लियर प्लेन फ्लोट ग्लास होता है, वो क्या होता है और इंडिया के अंदर कितने प्रकार का क्लियर प्लेन फ्लोट ग्लास होता है, कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, किस किस थिकनेस में इसका इस्तेमाल होता है, कौन सी कंपनी है जो इंडियन मार्केट के अंदर क्लियर फ्लोट ग्लास बनाती है और इंडियन फ्लोट ग्लास जो होता है उसको प्रोसेसिंग के द्वारा किन किन शीशों के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो आज हम डिटेल में ये सारी जानकारी आपके साथ में साझा करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम अपनी जो आज की वीडियो है उसको आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं कि ग्लास का हमारा टॉपिक डिस्कस हो रहा है और इसका हम आज फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्लियर प्लेन फ्लोट ग्लास। क्लियर प्लेन फ्लोट ग्लास जो होता है वो कौन सा शीशा होता है? क्लियर प्लेन फ्लोट ग्लास वो शीशा होता है जो कांच की समतल जो धातु होती है, हमारा जो कांच होता है वो समान थिकनेस में समान सरफेस के रिगार्डिंग जो शीशा होता है उसे हम फ्लोट ग्लास कहते हैं। यानी कि जिसकी थिकनेस एक समान होगी और दोनों तरफ से, चाहे वो ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, जो बिल्कुल ही स्मूथ ग्लास होगा और जिसके अंदर पारदर्शिता होगी, क्लियरनेस होगी, जो प्लेन ग्लास होगा आपका, क्लियर शीशा होगा जिसके अंदर आर पार की ट्रांसपेरेंसी क्लियर होगी, उस शीशे को हम क्लियर प्लेन फ्लोट ग्लास कहते हैं। क्लियर प्लेन फ्लोट ग्लास जो है वो इंडिया के अंदर हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनियां हैं वो 5 कंपनियां हैं जो इंडिया के अंदर हमारे जो शीशे को मैन्युफैक्चरिंग करती है। नंबर 1 सेंट गोविन इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नंबर 2 एसआई जिसे टाटा भी कहा जाता है। नंबर 3 आपकी मोदी गार्ड जिसे कि गुजरात गार्डियंस लिमिटेड भी कहा जाता है। नंबर 4 है आपकी गोल्ड प्लस आपकी चौथी बड़ी कंपनी है जो शीशे का आपका फ्लोट ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग करती है। और नंबर 5 है आपका ससिकैम इंडिया लिमिटेड, जिसे पहले HNG थी वो बाद में ससिकैम में कन्वर्ट होगी। तो अब ये 5 कंपनियां हैं जो मुख्य तौर पर इंडिया के अंदर आपका फ्लोट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां हैं। जो आपका फ्लोट ग्लास है, जो क्लियर प्लेन फ्लोट ग्लास है, वो अमूमन 2 प्रकार का आपका ग्लास होता है। नंबर 1 नॉर्मल क्लियर प्लेन फ्लोट ग्लास और नंबर 2 के ऊपर आता है आपका एक्स्ट्रा क्लियर प्लेन फ्लोट ग्लास। ये 2 तरीके का होता है जो ये ग्लासेस हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये 2 तरीके का होता है, एक नॉर्मल क्लियर प्लेन ग्लास और दूसरा हो गया हमारा एक्स्ट्रा क्लियर प्लेन ग्लास। जो ये ग्लासेस होता है, आर्किटेक्चरल जो बिल्डिंग्स है हमारी बनती हैं, जो हमारी आर्किटेक्ट की बिल्डिंग होती है, जो कि हमारे घर, ऑफिस, दुकान, मॉल, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्सेस, इनमें ये हर जगह के ऊपर यूज होने वाला क्लियर प्लेन फ्लोट ग्लास है, ये हर जगह के ऊपर इस्तेमाल होता है। और इसे जो अमूमन इस्तेमाल किया जाता है वो आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर आप हम देखें तो सबसे ज्यादा जो इसका इस्तेमाल होता है वो आपके घरों के अंदर यूज होने वाले डोर विंडो के अंदर, आपके लकड़ी के, आपके एल्युमिनियम के, आपके प्लास्टिक के, UPVC के, विभिन्न धातुओं के, लकड़ी के जो दरवाजे और खिड़कियां होते हैं उसके अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर क्लियर प्लेन फ्लोट ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। जो क्लियर प्लेन फ्लोट ग्लास होता है उसके पार्टीशन बनाने के अंदर भी अच्छा खासा इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो आपका क्लियर प्लेन फ्लोट ग्लास होता है उसका इस्तेमाल दूसरे नंबर पे टेबल टॉप्स और जो डाइनिंग टेबल होते हैं उनके ऊपर भी काफी मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे कि जो घरों के अंदर टेबल होते हैं उसके ऊपर जो डाइनिंग टेबल हो गए, उसके ऊपर जो ऑफिसेज के टेबल हो गए, उनके ऊपर जो शॉप्स हो गए, उनके काउंटर्स के ऊपर, इन सभी जगह के ऊपर ग्राइंडिंग पॉलिश करके क्लियर प्लेन फ्लोट ग्लास का इस्तेमाल बहुत प्रचुर मात्रा में किया जाता है। उसके ऊपर डिजाइनिंग बना करके भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 जो है इसका इस्तेमाल जो आपकी स्लैब होती है और जो रैक्स होते हैं, जो आप देखेंगे कि शॉप के अंदर अभी मॉडर्न जो शॉप बन रही है उनमें आप देखेंगे कि ग्लास की स्लैब बनके उनके
स्लैब बनाए जाते हैं किचन, मॉडर्न किचन के अंदर उन स्लैब्स के ऊपर सामान रखने के लिए, या आपका जो ड्राइंग रूम है उसके अंदर आपके कोई एसेसरी वगैरह रखने के लिए, या आपके बेडरूम है उनमें कॉर्नर वगैरह रखने के लिए, इन सभी जगह के ऊपर ग्राइंडिंग पॉलिश करके 8 mm, 10 mm और 12 mm के शीशे का इस्तेमाल करके इनकी स्लैब्स बनाई जाती हैं। उसके बाद में इसका इस्तेमाल डिजाइनिंग वाले ग्लास के अंदर, बहुत से डिजाइनिंग के ग्लास इसके अंदर बनते हैं जिनके अंदर वी ग्रूविंग होगी, या आपकी एसिड का काम हो गया, आपका सैंड ब्लास्टिंग का काम हो गया, या आपका कलर का काम हो गया, इन्हें बना करके इंटीरियर में बहुत ज्यादा संख्या के अंदर आपका क्लियर प्लेन फ्लोट ग्लास का इस्तेमाल इन सभी जगहों के लिए किया जाता है। जो क्लियर प्लेन ग्लास है इसके आप देखेंगे, अगर आप 5वीं उसमें देखें तो इसके बॉक्स बनाए जाते हैं, फिक्स जो आपके बॉक्सेज हो गए वो बनाए जाते हैं, फिश बॉक्स होते हैं जिसमें मछलियां जो आज आपने देखती होंगी तैरते हुए, तो वो भी बॉक्स जो होते हैं वो सारे के सारे क्लियर प्लेन फ्लोट ग्लास से बनाए जाते हैं। इन सभी जगहों के ऊपर क्लियर प्लेन फ्लोट ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में प्रोसेसिंग के द्वारा मैं आपको बताता हूँ, प्रोसेसिंग के द्वारा जो हमारा क्लियर प्लेन फ्लोट ग्लास है उसमें जो प्रोसेसिंग होती है, जो हमारा टफन ग्लास बनता है, या हमारा जो इसके अंदर इंसुलेटिंग ग्लास बनता है, या हमारा जो सिक्योरिटी ग्लास बनता है, या हमारा बुलेट प्रूफ ग्लास बनता है, बैंड ग्लास हो गया, टफन बैंड ग्लास हो गया, इन सभी ग्लासेज के अंदर हमारा जो फ्लोट ग्लास है इसका इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में किया जाता है। इसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसमें 2 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm शीशे का इसमें प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमारी ग्लास लाइन है इसका मुख्य आधार ये क्लियर प्लेन फ्लोट ग्लास है। आप सबका धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि मैं आने वाले वीडियोस में आपको पूरी संपूर्ण शीशे के हर एक पॉइंट के ऊपर जानकारी देने वाला हूं। और जो इससे आगे बनने वाले आपके ग्लास हैं, टफन ग्लास हो गया, आपका इंसुलेटिंग ग्लास हो गया, आपका बैंड ग्लासेज हो गया, आपका बुलेट प्रूफ ग्लासेज हो गया, इन सारी ग्लासेज की जानकारियां मैं अपने आने वाले बल्क में आने वाले वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो मेरे से ये सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।